So let's look at this triangle, okay? Triangle ABC. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग find कर रहे हैं trigonometric ratios. Of 45 degrees. Okay. Now, triangle ABC में हमने second lecture में prove किया कि ये जो isosceles right angle triangle है, इसके sides अगर दो equal है, perpendicular sides y और y, तो hypotenuse होता है y root 2. तो अभी हम लोग find करते हैं sine of A. Which is sine 45, which is opposite side upon hypotenuse. तो opposite side क्या है इसका? BC upon hypotenuse क्या है? AC. Opposite side y upon y root 2. तो इसलिए मुझे मिला sin 45 is 1 by root 2 क्योंकि ये y और y cancel हो गए, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हम cos 45. cos 45 find करने के लिए हम फिर से cos A find करते हैं, which is cos 45. लेकिन cos का formula क्या होता है? Adjacent side upon hypotenuse, which is equal to AB upon AC, Y upon Y root 2. One zame Y cut gaya. So what is cos 45? 1 by root 2. और उसके बाद हम देखते हैं tan 45. क्या है tan 45? उसके लिए भी हम tan A ही फाइंड करते हैं, which is opposite side upon adjacent side. तो opposite side क्या है A का? BC. Adjacent AB, so this is y upon y, which is 1. So what is tan 45? Tan 45 is 1. तो ऐसे लिखते हैं टेबल में sin cos और tan. Sin 45 कितना है? 1 by root 2. Cos 45 1 by root 2. tan 45 1. तो ये हो गए trigonometric ratios of 45 degree, sin cos tan. अगर आपको sec cosec और cot निकालना है, ठीक है, तो cosec क्या होता है? What is cosec 45? It is 1 upon sin 45. और 1 by root 2 का reciprocal होगा root 2. What is sec 45? It is 1 upon cos 45. Cos 45 1 by root 2 ka reciprocal root 2. And what is cot 45? It is 1 upon tan 45. To 1 ka reciprocal 1. Okay? Abhi hum log dekh rahe hain equilateral triangle. Ye dikh nahi raha equilateral triangle ke jaise kyunki haath se draw kiya hai maine. Theek hai? लेकिन यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके? तो इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने ड्रॉ किया RN परपेंडिकुलर टू QP. ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ओके? नाउ आई लुक एट ट्रायंगल RNQ एंड triangle RNP. So I say RN is equal to RN. Why? They are common. I say RQ
is equal to RP. Why? Because they are sides of equilateral triangle. कैसा होता है equilateral triangle? क्या प्रॉपर्टी होती है equilateral triangle की? प्रॉपर्टी क्या होती है? All sides are equal. All angles are 60 degrees. ठीक है? I also say that angle RNQ is equal to angle RNP is equal to 90 degrees. Construction. Okay. Therefore, I say that triangle RNQ is congruent to triangle RNP by right angle hypotenuse side rule. तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि NQ is equal to NP, corresponding part of congruent triangles. Also, angle QRN is equal to angle PRN is equal to 30 degrees. देखो, ये पूरा angle 60 था, ये angle और ये angle equal हो गए, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया. ठीक है, ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल था QP, विच इज A. अभी मैंने प्रूव किया कि ये दो इक्वल है, तो ये A बाय 2 हो गया, ये भी A बाय 2 हो गया. अभी हम देखते हैं ट्रायंगल NQR और इसमें लगाते हैं पाइथागोरस. इसमें क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स. सो आर क्यू स्क्वायर इज आर एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज आर एन स्क्वायर. लेकिन आर एन क्या है? इट इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एच इज हाइट. तो इसको लिखता हूं एच स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर. कितना है? ए बाय टू का स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर. सो आई गेट एच स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, विच इज 4a स्क्वायर बाय 4 माइनस a स्क्वायर बाय 4, विच इज 3a स्क्वायर बाय 4, दैट इज माई h स्क्वायर. देयरफॉर h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाय 4, विच इज a रूट 3 बाय 2. तो ये मिला मुझे हाइट, जिसका वैल्यू है a रूट 3 बाय 2. और इसको हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री फाइंड करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में. ओके?